ये आप देख रहे हैं, ये है राजा नाहर खां के ख़ानदान की कब्रें, ये यहाँ पर मौजूद है। चूने से बनाई हुई हैं कब्रें, देखो तावीज़ जो है चूने से बना हुआ है। किले के बिल्कुल बाहरी हिस्से में है, और एक किले कब्र के ये है, मेन गेट के सामने, ये टूटी हुई है, ये मेन गेट के सामने है। ठीक है, ये टूटी हुई और है। किले को घुमा दिया। ये एक कब्र देख जो देखो ये है, और हौदा भी है। ये लोगों ने खोद दिए, माल और ख़जाने की जस्तजू करने वाले लोगों ने इसको जो है तोड़ डाला है, वरना तो देखो इसका जो हौदा है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, बिल्कुल देखो बिल्कुल हौदा दिखाई दे रहा है, ये रहा हौदा। और ऊपर का जो हिस्सा है पत्थरों से ढका हुआ था। ये माल की जस्तजू करने वालों ने ये कब्र भी ये तोड़ जो दी है है, इधर ये जो और कब्र है, इसके अलावा ये आपके सामने ये भी कब्र है, ये है, ये भी कब्र है। इसमें देखो ये चूना निशान लगा मौजूद हुआ है है। चूने का, ये रहे ये कब्र है, देखो ये यहाँ से ये भी और कब्र इसमें है। ये हेरिटेज है, और इधर है एक उसके कब्र है अलावा एक लड़की के लिए पास देखो में। ये कब्र है, ये सारा राजा हसन खां, राजा नहर खां का जो ख़ानदान है उसकी कब्रें हैं। एक कब्र शायद एक वहाँ भी कबर है, है ये उठा रखी है। और एक कब्र जो ये है, ये भी माल के जस्तजू करने वालों ने एक कब्र भी जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी है। ये इसी भी तरीके कबर से एक कब्र ये है, ये चूने की कब्र है, देखो चूने के बनी ये राजा नहर खां का ख़ानदान यहाँ मदफून है। इसी तरीके से एक कब्र ये है, ये भी जो है, ये आपके हो सके, हाँ आप नहर खान। ये सबसे बड़ी कब्र है, और मकामी लोगों के मुताबिक ये है, किसकी कब्र हो सकती है, नहर राजा नाहर खां की। राजा नाहर खां की कब्र जो है इसको बतलाया जाता है। इसके बराबर में एक और बड़ी कब्र है, ये भी कब्र है, ये रही, ये ख़ानदान है पूरा जो है पूरा, ये कबर राजा सारे नाहर राजे खां। नहर खा के तकरीबन ये यहाँ सारा पर परिवार की कबर यही है, 15-20 कब्रों के जो है निशानात हैं, और ज्यादा बकिया के जो है मिटे हुए हैं, बल्कि 20 से भी सारे ज़्यादा किले कब्रों का के। कबर तो आड़े से ये सारा बिल्कुल सारा मेन गेट सामान देखो, मैंने देख ही लिया। वो वहाँ पर किला है, और किला से जो है, ये लोगों ने जो है माल की जस्तजू करने वालों ने ज़्यादा इसको बर्बाद कर दिया, इन कब्रों को। एक कब्र देख रहे ये भी है, और उसके अलावा उधर भी जो है कब्रें बहुत हैं जिनके थोड़े थोड़े निशानात मौजूद हैं। ये चार ये दीवार में ये कब्रिस्तान है मौजूद है, और चारों राजा तरफ नाहर खां के अंदर भी कब्रिस्तान है, पूरे जो है पूरा ख़ानदान का, ये वो ही नए परिवार कब्र यहाँ रखे पर, हुए हैं। वही ख़ानदान यहाँ पर ये कब्र मदफून है। अभी देखो चार इनमें दीवार सबसे के अंदर अंदर में कोई अच्छी कब्र कब्र नहीं जो है, अच्छी पोजीशन में है फिलहाल, वो ये कब्र है, गुरुद्वारा कहीं रहता है, जहाँ ये ये कब्र कब्र है। रखा, गुरुद्वारा और कहीं रहता एक है, जो है जहाँ इसके बराबर में ये कब्र कब्र है, रखा बहुत है, सारी कब्रें हैं, उधर भी निशानात दिखाई दे रहे हैं, इधर भी निशानात दिखाई दे रहे हैं। ये राजा नाहर खां के का ख़ानदानी जो है यहाँ पर ये कब्रिस्तान है। आज तक शायद इसने, मैंने इनकी जो गाय चराने वाले हैं, भैंस चराने वाले यहाँ पर, उनकी मदद से इन कब्रों को जो है अरावली पर्वत में मैंने तलाश किया है।